ऑल्सो। फिर इसका मैंने आपको प्रिजर्वेशन बाकी था बताने के लिए, ठीक है, फिशरीज का प्रिजर्वेशन वगैरह मेथड्स बाकी था बताने के लिए। ओके, तो फर्स्ट लेट अस कंप्लीट दिस पार्ट एंड देन अगेन वी विल गो बैक टू फिशरीज वंस अगेन। ऑल इफ यू टेक आउट योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो, प्लीज टेक आउट योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 253। प्लीज टेक आउट योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 253। ओपन किया सबने? यस। ओके, सो एनिमल ब्रीडिंग, ब्रीडिंग का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ब्रीडिंग? सो ब्रीड का मतलब है इट्स अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म रिलेटेड बाय डिसेंट एंड सिमिलर जनरल अपीयरेंस। डिसेंट मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, एंड सिमिलर जनरल अपीयरेंस फीचर्स एंड साइज इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ ब्रीड। ब्रीडिंग क्या है? इट्स अ मॉडिफिकेशन ऑफ जीनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू मेक दैट ऑर्गेनिज्म मोर यूजफुल टू ह्यूमंस। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ ब्रीडिंग। व्हाट वी आर डूइंग द मॉडिफिकेशन ऑफ जीनोटाइप। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जर्सी का है, इम्प्रूव्ड कैटल ब्रीड है ये, ठीक है, जर्सी इज अ गुड कैटल ब्रीड। व्हाट इज अ स्पेशलिटी? शी गिव्स मोर लीटर्स ऑफ मिल्क। Leghorn, you can see the diagram. Improved chicken breed. Understood? Now, aim of animal breeding is to increase and improve the yield and desirable qualities of an animal. So, in that, you have to learn two types of breeding. Inbreeding and outbreeding. All of you, please mark it. Breed ka matlab in your textbook. Breeding ka matlab in your textbook. ब्रीडिंग का डेफिनेशन, ब्रीड का डेफिनेशन, डन। नाउ यू हैव टू लर्न टू टाइप्स ऑफ इन ब्रीडिंग एंड द आउट ब्रीडिंग। सो लेट अस अंडरस्टैंड द इन ब्रीडिंग फर्स्ट। इट इज अ मेटिंग ऑफ मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल विद इन द सेम ब्रीड फॉर हाउ मेनी जनरेशन? 4 to 6 जनरेशन। ठीक है, जब हम सेम ब्रीड का मेटिंग करवाते हैं, मेटिंग मीन्स रिप्रोडक्शन और सेक्शुअल इंटरकोर्स, सेम ब्रीड का अगर हम मेटिंग कराते हैं फॉर 4 to 6 जनरेशन, तो उसको हम कहेंगे इन ब्रीडिंग। यस, सो व्हाट आर द स्ट्रेटजीज? वी हैव टू आइडेंटिफाई अ मेट सुपीरियर मेल। वी हैव टू गेट अ सुपीरियर मेल। यू कैन सी इन दिस डायग्राम, व्हाइट कलर इज अ मेल एंड अ फीमेल ऑफ अ सेम ब्रीड। आप देख सकते हो सेम ब्रीड है दोनों भी। इवेल्युएट द प्रोजेनी ऑब्टेंड एंड आइडेंटिफाई सुपीरियर मेल्स एंड फीमेल्स अमंग देम फॉर फर्दर मेटिंग। मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल ये बुल है, ये काऊ है, इनसे जो बच्चे होंगे उसमें भी जो सुपीरियर मेल और फीमेल होगा उसको हम इवेल्युएट करेंगे, फिर उसके अंदर मेटिंग करवाएंगे। फिर उनसे जो बच्चे होंगे उसमें भी जो सुपीरियर मेल होगा और जो फीमेल होगा उसका मेटिंग कराएंगे, और फिर उसका नेक्स्ट जनरेशन ये करेंगे। तो इसका मतलब क्या है? दैट इज व्हाट इज बीन कॉल्ड एज अ इन ब्रीडिंग। सेम ब्रीड रहेगा पर वो जो इनसे जो बच्चे होंगे उसमें जो सुपीरियर होंगे उसका मेटिंग, फिर उनसे जो बच्चे होंगे उसमें से जो सुपीरियर होगा उसका मेटिंग। सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज इन ब्रीडिंग। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? सो इन कैटल अ सुपीरियर फीमेल कैन बी अ काउ और अ बफेलो विच प्रोड्यूसेस। सुपीरियर फीमेल हम किसको बोल रहे हैं? सुपीरियर फीमेल मतलब जो दिखने में अच्छी है वो नहीं, जो क्या करती है, जो ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करती है पर लैक्टेशन। और सुपीरियर मेल हम किसको सेलेक्ट करेंगे? बुल को, विच गिव राइज टू सुपीरियर प्रोजेनी। बुल में क्या क्वालिटी होना चाहिए? कि वो डिजीज रेजिस्टेंस होना चाहिए, है ना, जल्दी बीमार पड़ने वाला नहीं होना चाहिए। अंडरस्टूड? तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ सुपीरियर मेल, जो जल्दी बीमार नहीं पड़ रहा है, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस पावर अच्छा है, दैट इज बीन कॉल्ड एज अ सुपीरियर मेल और अ बुल। तो उसको हम सेलेक्ट करेंगे, एंड द फीमेल विच डज अ गुड लैक्टेशन इज बीन कॉल्ड एज अ सुपीरियर फीमेल। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग इन ब्रीडिंग। सो यू कैन अंडरलाइन इन योर बुक ऑल्सो। इन ब्रीडिंग से क्या इंक्रीज होता है? होमोजाइगोसिटी। क्या इंक्रीज होता है? होमोजाइगोसिटी। अंडरलाइन। सो लेट अस अंडरस्टैंड द एडवांटेज ऑफ इन ब्रीडिंग कैन बी आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जाम।
What is the advantage of inbreeding? So, सबसे पहला, it increases the homozygosity to evolve pure line varieties. It exposes harmful recessive gene that are eliminated by selection. है ना? This is very important thing. जो भी harmful recessive gene है, जब हम हर generation में superior quality को select कर रहे हैं, तो obviously जो inferior quality है वो अपने आप क्या होते जा रहा है, eliminate होते जा रहा है. Understood your point? Then it helps in the accumulation of superior gene and elimination of less desirable gene. So this increases the productivity of inbred population. Understood? Yes. Now, this has not been given to you all, but just see to it. Depression of fertility and productivity due to continue inbreeding, especially close inbreeding. Okay? So mate selected animal with unrelated superior mate of the same breed means ये आपको है नहीं वैसे भी पढ़ने के लिए तो we will not just discuss on it. Now comes the outbreeding. Outbreeding में आपको तीन चीज पढ़ने के लिए है. Outcrossing, crossbreeding and interspecific hybridization. Outbreeding मतलब क्या होगा अब यहाँ पे? It is mating of animal with the same breed but having no common ancestor. But having no common ancestor for 4 to 6 generation, we are going to breed it. यहाँ पे important point क्या है? No common ancestor, unrelated animals. So offsprings of such mating has been called as an outcross. You can see this dog is also black and white. So advantage क्या है? It is the best method for animal having low milk productivity, growth rate in beef, cattle, etc. So it helps to improve the inbreeding depressions. Next comes the crossbreeding. You can see the example, best example. Bikaneri Eves has been crossed with the rams and we can get a Hisardale. ठीक है, तो Hisardale किससे बना है? Crossbreeding से. इन दोनों को जब हमने hybridization किया तो हमें Hisardale मिला है. That this is which is what is called as a crossbreeding. Okay, so in this method, superior male of one breed are mated to a superior female of another breed. Another breed, अलग ही breed ही अलग है. So desirable qualities of two different breeds are been combined. So what we can see, the progeny hybrid animal may be useful for commercial production or may be subjected to inbreeding and selection to develop new stable superior breeds. So you can see if this point. So ship, this Eve and Ram has been crossed to get a Hisardale. That is a ship, which is developed in Punjab. So example is important. Please underline in your textbook also example. Crossbreeding ka example underline in your textbook. Shall we move forward? Next comes the interspecific hybridization. Interspecific matlab species hi alag hai. Horse alag species ka hai, donkey alag species ka hai, par dono ko mate karne ke baad hame kya mila? Mule mila, hybrid mila. So it is a mating of male and female of two different species, isliye interspecific bol rahe hain hum. In some cases the progeny may combine desirable features of both the parents or may be considerably economical value. Jaise ki mule kisse milta hai? Male ass and a female horse. Female horse rahegi to and male donkey rahega to. Ye important hai beta. Iska ulta bhi hota hai. Theek hai? Miss hinni milte hain. Ha? हिन्नी. हाँ यस, वही मैं बोली ना कि ये इम्पोर्टेंट है कि कौन मेल है और कौन फीमेल है. यस, सो म्यूल कैसे मिलेगा? बाय द फीमेल हॉर्स एंड द मेल एस, दैट इज डोंकी. अगर उल्टा रहेगा तो हिनी मिलेगा. करेक्ट. डन.
मार्क किया टेक्स्ट बुक में? यस अपने मार्क? यस। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट इज द आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन। आर्टिफिशियली कर रहे हैं, इनसेमिनेशन का मतलब क्या होगा? सिमेन को इनसाइड डाल रहे हैं, सिमेन को आर्टिफिशियली इनसाइड डाल रहे हैं इन द फीमेल वजाइनल ट्रैक्ट। तो सिमेन, अभी जैसे अगर नॉर्मल इंटरकोर्स नहीं हो पा रहा है, फॉर एग्जांपल नॉर्मल इंटरकोर्स नहीं हो रहा है, तो जो वेटरनरी डॉक्टर्स है वो क्या करेंगे बेटा, मेल का, ठीक है, जो बुल वगैरह है उसका सीमेन कलेक्ट करके रखेंगे इन द स्पर्म बैंक। तो सीमेन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी बुल विल बी कलेक्टेड फ्रॉम द मेल पैरेंट एंड इट विल बी इंजेक्टेड विद द हेल्प ऑफ अ सीरिंज। है ना, आप देख सकते हो डायग्राम में भी, सीरिंज के थ्रू, इंजेक्शन के थ्रू इट इज बीन इंजेक्टेड इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, द सीमेन इज यूज इमिजिएटली या फिर इट मे बी यूज इन अ फ्रोजन फॉर्म। ठीक है, जैसे अगर स्पर्म बैंक में रखा है तो इट विल बी फ्रोजन, ऑब्वियसली फ्रोजन फॉर्म में रहेगा। बट अगर समझो कहीं मतलब फ्रेशली बुल से सीमेन मिला है और फिर उसको इंजेक्ट किया, मीन्स बोथ द वेज कैन बी डन। फ्रोजन सीमेन कैन ऑल्सो बी ट्रांसपोर्टेड। सक्सेस रेट ऑफ क्रॉसिंग इज लो इवन दो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज कैरिड आउट। ठीक है, डन, मार्क किया? यस। नेक्स्ट टेक्निक इज MOET, मल्टीपल ओव्यूलेशन। मतलब क्या, इसको ब्रेक करके समझो, मल्टीपल ओव्यूलेशन मींस हम काउ को क्या करेंगे, हार्मोन्स का इंजेक्शन देंगे। अभी आपको पता है कि जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप सबने पढ़ा है, आपने क्या पढ़ा है कि एग अगर ज्यादा बनना है एग को डेवलपमेंट के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा हार्मोन है रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग, बताओ। यस, फॉलिकल्स को बनने के लिए कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यस, सो द सेम थिंग ये ह्यूमन बीइंग के साथ भी होता है। आपने IVF टेक्निक पढ़ा ना, तो IVF टेक्निक में भी तो यही चीज होता है, यही चीज हम कैटल्स में भी करते हैं। व्हाट वी आर डूइंग कि वी आर गिविंग द इंजेक्शन ऑफ FSH। FSH का इंजेक्शन देते ही क्या होगा, नॉर्मली अगर वो एक एग प्रोड्यूस करती है काऊ, तो वो क्या करेगी, 10x प्रोड्यूस करेगी डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटिटी ऑफ FSH। है ना, ज्यादा FSH दिया तो 4 करेगी, फिर और दिया तो समझो 10 कर देगी। ठीक है, अब 10x तो उसने प्रोड्यूस कर दिया अपने ओवरी में, पर क्या वो 10 बच्चे को अपने वूम में पाल सकती है क्या, कोई भी एक मदर पाल सकती है क्या, आप मुझे बताओ। एग तो प्रोड्यूस हो गया है, हमें गैमेट्स तो मिल गए, उसकी क्वालिटी तो मिल गई है, पर क्या वो अपने वूम में ये 10 बच्चे को एक साथ ग्रो कर सकती है? No. या नहीं? नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमको एग तो मिल गया है, अब हम क्या करेंगे, इस एग को, इस जो हमने, जो गाय ने ओव्यूलेशन किया, जो गाय ने ओव्यूलेशन किया है उसके ओवरी से हमने एक एग उसके ही इसमें छोड़ दिया, ओवरी में छोड़ दिया, बाकी के 9 एग्स को हमने बाहर निकाला। और ये बाहर निकालने के बाद हमने इसका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन किया विद सुपीरियर क्वालिटी ऑफ सीमेन। ठीक है, हाँ, और फिर अब ये जो एम्ब्रियो बना ब्लास्टोसिस्ट तक जब बन गया, तो मैंने क्या किया, 9 अलग अलग गाय लिए। तो फिर वो कोई भी गाय होने दो, कोई भी नॉर्मल से भी गाय रहने दो, हमको क्या चाहिए, सरोगेट मदर वाला ही फंडा है बेटा यहाँ पे भी। ठीक है, हमको क्या चाहिए, उसका सिर्फ वूम चाहिए। तो हम वो कैसे भी गाय रहने दो, मतलब कोई भी टाइप की ब्रीड होने दो, हमको उससे कोई मतलब नहीं, हमें क्या मतलब है उसके वूम से। हमने क्या किया, ये जो एम्ब्रियो है हमने उस 9 अलग अलग काउज के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया। तो क्या होगा बेटा, एक ही बार में ये सारे के सारे प्रेग्नेंट है, सारे के सारे 9 months के बाद दे आर गोइंग टू डिलीवर द बेबीज, है ना। तो इसका मतलब क्या, एक ही बार में हमें इतना सारा मिल रहा है। अगर एक काउ रहेगी तो वो एक बार में एक ही बच्चा देगी ना, समझे मेरी बात। सो दिस इज व्हाट हैज बीन कॉल्ड एज अ मल्टीपल ओव्यूलेशन। पहले उसका मल्टीपल ओव्यूलेशन कराएंगे, फिर उसका एम्ब्रियो का ट्रांसफर कराएंगे इन अनदर काउ सरोगेट मदर में, और फिर एक ही बार में हमें डिजायर्ड क्वालिटी वाला जो चाहिए था हमें वो मिल जाएगा।
समझा, क्योंकि एग तो इसी का है. अंडरस्टूड? यस. सो इट इज बीन डन फॉर द हर्ड इम्प्रूवमेंट, ग्रो करने के लिए, टू इम्प्रूव द चांसेस ऑफ सक्सेसफुल प्रोडक्शन ऑफ द हाइब्रिड्स. So you can see the ovaries, follicles. So cow is been given FSH hormone. So क्या होगा इससे, क्या होगा, सुपर ओव्यूलेशन होगा. क्या होगा? सुपर ओव्यूलेशन. सो एक साइकिल में 6 to 8 eggs बन जाएंगे. ज्यादा eggs बन गए. अब इतने eggs तो वो अपने embryo में एक cow तो grow नहीं कर सकती, तो हम क्या करेंगे? हाँ, सुपर ओव्यूलेशन हो गया. अब क्या होगा? द एनिमल इज आइदर मेटेड विद अ बुल और आर्टिफिशियली इंसेमिनेटेड. ठीक है, या तो उसका मेटिंग करवाएंगे बुल के साथ, या तो उसका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करेंगे. अब ये जो एम्ब्रियो है, ठीक है, सो फर्टिलाइज्ड एग अप टिल 8 to 32 सेल स्टेज. अभी आपको पता है 32 सेल स्टेज मतलब मोरुला स्टेज, आर रिकवर्ड नॉन सर्जिकली एंड ट्रांसफर टू अ सरोगेट मदर. ठीक है, so MOET has been demonstrated for cattle, sheep, rabbits, buffaloes, mares, etc. इससे हमें क्या मिला है? एक तो उनका numbers बढ़ गया और high milk yielding breeds, high quality, ठीक है, with respect to meat, yes, less lipid meat yielding bulls, ये सब चीजें. और उनका साइज इंक्रीज भी हो गया, हर्ड साइज भी इंक्रीज हो गया, मतलब उनके नंबर भी इंक्रीज हो गए इन अ वेरी शॉर्ट टाइम. अंडरस्टूड? यस. तो प्लीज मार्क इट इम्पोर्टेंट. MOET को मार्क करो इम्पोर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जाम. बी कीपिंग तो हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, फिशरीज हम डिस्कस कर रहे थे. ब्लू रेवोल्यूशन तक हुआ था शायद अपना, है ना. टाइप्स ऑफ प्रिजर्वेशन करना बाकी है ना. So come back to that page. Page number 257. 257. अच्छा, अब ये PPT में वो वाला प्रिजर्वेशन वाला टेक्निक नहीं दिया गया है. So please do underline in your textbook itself. चलो. Come to the which paragraph you will be coming to 257 page number pe. Come to the second paragraph, 1, 2, 3 third paragraph, which I will open the textbook also. Just a second, give me 2 minutes, I will open the textbook. Till then, just read these 2 paragraphs. Who will read? Anyone, please read the 2nd paragraph. Common factors for maintenance of fish farm. Please read it. Yes. Anyone? The common factors for maintenance of fish farm include selection of suitable site, excavation of mounds, requirements of hatchery tank, nursery tank, rearing tank, stocking tank or pounds, water source, manures,
supplementary feed, etc. The culture fishery may be monoculture, only one species, or polyculture, many species type. Okay. Very good, Bachcha. Just one minute. All of you can see the textbook now? Yes. Okay. I just wanted to explain you about that. No doubt, aapko ye iske baare mein detail mein exam mein poocha nahi jayega, but you should know about all these things, Bachcha. Okay. Now see over here. Common factors for maintenance of the fish farming. अभी हमको भी जैसे हमने डेयरी का मैनेजमेंट देखा, फिशरीज का इसका एपिकल्चर का मैनेजमेंट देखा, पोल्ट्री का मैनेजमेंट देखा ना, यहाँ पे भी मैनेजमेंट की जरूरत है. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिलेक्शन ऑफ अ साइट. जैसे हमें कहाँ पे पॉन्ड बनाना है, ऑब्वियसली हमें एक पॉन्ड बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए हम एक साइट अच्छा सा ढूंढेंगे. उसके बाद हम एक्सकवेशन करेंगे, मतलब पॉन्ड को डिग करेंगे. ठीक है, अब हमें इसके अंदर अलग अलग टाइप के टैंक्स बनाने होंगे. एक तो होगा हैचरी टैंक्स, जिसके अंदर एग हैच करेंगे. हैच करने के बाद जब छोटे छोटे फिश होते हैं, एकदम छोटे छोटे, एकदम एक इंच के जो फिश होते हैं, दे आर बीन ट्रांसपोर्ट टू द नर्सरी टैंक. दे आर बीन कॉल्ड एज फ्राइज. छोटे छोटे जो एकदम फिश होते हैं ना, दे आर बीन कॉल्ड एज फ्राइज. ठीक है, तो उनको नर्सरी टैंक में डाला जाएगा. थोड़े से और बड़े हो जाएंगे, फिंगरलिंग्स बन जाएंगे, तो दे आर बीन ट्रांसपोर्ट टू द रेयरिंग टैंक. ठीक है, एंड लास्टली दे आर बीन ट्रांसपोर्ट टू द स्टॉकिंग टैंक. स्टॉकिंग टैंक में जितना उनका साइज मार्केट में लगता है, मतलब जो साइज का मार्केट में उसका ज्यादा डिमांड होता है, उतना तक उसको ग्रो किया जाता है और फिर वहां से स्टॉकिंग टैंक से उसको बेच दिया जाता है. ठीक है, आप मुझे बोलोगे कि मैम अलग अलग टैंक्स का क्या जरूरत है. तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज कि हर लेवल में खाने का, फीडिंग का जो ये है वो अलग अलग है. जैसे जो छोटे छोटे फिश होंगे उनको अलग टाइप का फूड्स दिया जाता है और कम दिया जाता है, और जो स्टॉकिंग टैंक में है उनको अलग टाइप का फूड दिया जाता है और ज्यादा दिया जाता है. तो इसके लिए अलग अलग टैंक्स बनाए जाते हैं. अंडरस्टूड. देन द कल्चर में भी मोनोकल्चर और पॉलीकल्चर. अगर समझो हमें रोहू फिश ही कल्चर करना है, हमें रोहू की फिशिंग करनी है, तो हम रोहू का ही सिर्फ वो पॉन्ड में सिर्फ रोहू फिश रहेंगे. पर अगर हमें पॉलीकल्चर करना है, मतलब मैंने रोहू भी डाल दिया, कैटला भी डाल दिया, और भी समझो मृगल भी डाल दिया, अगर दो तीन फिशेस डाल दिया, दैट विल बी कॉल्ड एज अ पॉलीकल्चर. अंडरस्टूड. सो प्लीज अंडरलाइन मोनोकल्चर, पॉलीकल्चर एंड अलग अलग टैंक के नाम को अंडरलाइन करो. नेक्स्ट कम्स द नेक्स्ट मेथड इज प्रिजर्वेशन मेथड. ठीक है, चलो फिश तो ग्रो कर दिए, अब उसको प्रिजर्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अलग अलग टाइप के प्रिजर्वेशन मेथड है, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन फॉर द बोर्ड एग्जाम, प्रिजर्वेशन मेथड फॉर फिशरीज. सो प्लीज डू अंडरलाइन. दे आर चिलिंग मेथड, उनको बर्फ में रखना, चिल करके रखना. फ्रीजिंग मेथड, चिल से भी ज्यादा और मोर टेम्परेचर पे रखना, फ्रिज में रखना, फिर फ्रीजर में रखना, दैट इज व्हाट इज बीन कॉल्ड एज फ्रीजिंग मेथड. फ्रीज ड्राइंग मींस व्हाट, फ्रीजिंग मेथड पे रखेंगे तभी भी बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेगा, और जब उसको तुरंत ड्राई कर देंगे तभी भी बैक्टीरिया नहीं रहेंगे. वेरी ट्रेडिशनल मेथड, दैट इज सन ड्राइंग, धूप में सुखाना. स्मोकिंग मेथड, मतलब क्या धुआं डालते हैं नीचे से, और धुआं से फिर वो उसमें के जो बैक्टीरिया वगैरह सब मर जाते हैं. सॉल्टिंग मेथड, अगेन अ वेरी ट्रेडिशनल मेथड, नमक डाल के रखते हैं. कैनिंग मेथड विच इज बीन प्रैक्टिस्ड इन फॉरेन कंट्रीज, उसको टिन करके रखते हैं. सो आपको उसको एक्सप्लेन नहीं करना है, बट आपको ये 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है. राइट एनी 4 प्रिजर्वेशन मेथड्स. सो प्लीज डू अंडरलाइन. चिलिंग, फ्रीजिंग, फ्रीज ड्राइंग, सन ड्राइंग, स्मोक ड्राइंग, सॉल्टिंग एंड कैनिंग. ठीक है, अब आता है कि क्या क्या बाय प्रोडक्ट्स है या क्या क्या यूजेस है. अब हम सबको पता है कि फिश इज बीन एडिबल. ठीक है, सबसे ज्यादा तो वो खाने के लिए इस्तेमाल होता है, बट और भी कुछ चीजें हैं क्या, उसके बाय प्रोडक्ट्स है क्या. सो दैट यू हैव टू सी इन दिस नेक्स्ट पैराग्राफ. सो वी कैन गेट अ फिश ऑयल. आपको पता है कॉड फिश, कॉड लिवर ऑयल है ना, कॉड फिश, इट इज हैविंग अ वेरी मच मेडिसिनल यूज बिकॉज इट इज रिच इन विटामिन ए. सो कॉड फिश से ऑयल ऑब्टेन होता है, कॉल्ड एज अ फिश ऑयल. फिश मील, फिश मील तो अंडरस्टूड ही है, खाने में इस्तेमाल होता है. एज अ फर्टिलाइजर, यस, फिश इज बीन यूज. जो भी मर गए हुए फिश है वो भी ऐसा नहीं है, जो मर गए खराब हो गए फिश, ऐसा नहीं कि उसको फेंक दिया जाता है, उसका भी इस्तेमाल किया जाता है बिकॉज इट्स अ वेरी गुड फर्टिलाइजर टू द प्लांट्स.
देन फिश गुआनो, ठीक है, एक अगेन इट्स आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर मेड फ्रॉम फिश, इट्स आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर, फिश गुआनो, ठीक है. फिश ग्लू, अ स्ट्रॉन्ग एडेसिव इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्किन फ्रॉम द फिन्स ऑफ बोनी फिशेस, समझा. एडेसिव मतलब ग्लू, मतलब तो आपको समझता है ना, गम. फिश के स्किन में से, फिन्स में से, बोन्स में से एक्सट्रैक्ट किया जाता है. इसिनग्लास, इट्स अ जेलेटिन विच हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जेली फिशेस, इट्स अ जेली लाइक ग्लू लाइक सब्सटेंस, अंडरस्टूड, जो कि हम पेंट्स वगैरह में इस्तेमाल करते हैं. समझ में आ गया. सो ये सारी चीजें कहाँ पे इस्तेमाल होती है, पेंट्स में. इसिनग्लास जैसा अभी मैंने आपको बताया, पेंट्स में. सोप बनते हैं, ऑयल्स बनते हैं, मेडिसिन में इस्तेमाल होता है. प्रॉन्स एंड लॉबस्टर्स का तो ये है, बहुत ज्यादा डिमांड है इन द फॉरेन कंट्रीज, सो इट इज हैविंग ऑल ओवर द वर्ल्ड डिमांड. फिशरी इज अ गुड जॉब अपॉर्चुनिटी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू मेनी ऑफ द पीपल्स. Next, let us see the sericulture and the lac culture again because it has not been there in the PPT. So, sericulture का मतलब क्या होता है? Rearing of silkworm. Silkworm. Rearing of silkworm is called as a sericulture to obtain silk. So, underline rearing of silkworm for the production of silk. अच्छा, अब ये जो है वो बहुत कम इन्वेस्टमेंट में अच्छा खासा हम पैसे कमा सकते हैं. लेस इन्वेस्टमेंट क्यों? क्योंकि अगर मलबरी का झाड़ है, अभी आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, सुना भी होगा कि ये जो सिल्क मॉथ्स होते हैं, मॉथ्स दे फीड ऑन द मलबरी लीव्स. तो मलबरी का अगर झाड़ है वहां पे, या फिर आपके पास कोई स्पेस है, अच्छा खासा स्पेस है, या समझो आपके पास कम भी स्पेस है, आपके पास सिर्फ दो तीन झाड़ लगाने के लिए स्पेस है, तो दो तीन झाड़ में भी आप अच्छा खासा सिल्क ऑब्टेन कर सकते हैं. So it requires less investment and can be started in a small space. It is the oldest business and large number of families are associated with the silk production. इसके अंदर ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका बहुत मेहनत का काम है. आपका मेहनत कुछ नहीं है, वहां पे सिल्क मॉथ ही सारा मेहनत करेगा. तो कोई भी डिजेबल्ड वन भी, यस, कोई डिजेबल्ड है, कोई ओल्ड पर्सन है, कोई हैंडीकैप है, वो भी ये काम आसानी से कर सकता है, क्योंकि सारा काम तो सिल्क मॉथ ही कर रहे हैं. हमें क्या करना है, सिर्फ सुपरविजन करना है. किस चीज का सुपरविजन करना है? ये जो सिल्क मॉथ है इस झाड़ पे, जो झाड़ पर सिल्क, जो मलबरी के झाड़ पे सिल्क मॉथ है, उसको कोई क्रो खा के नहीं लेके जाए, उसको कोई मतलब एंट्स वगैरह ना लग जाए, बस इसी चीज का ध्यान देना, बाकी कुछ नहीं. बाकी का सारा काम तो सिल्क मॉथ ही करेगा. So the best quality silk is called as a mulberry silk. Mulberry silk. Best quality is called as a underline. Which is produced by which silkworm? Bombyx mori. Bombyx mori. Other qualities concerned, tussar silk and airy silks, which are inferior quality. So quality kiske upar depend karti hai? That depends upon the quality of the mulberry leaves on which the larva feeds. Okay. जैसा मलबरी लीव्स का क्वालिटी होगा वैसा टाइप का सिल्क बनेगा. अच्छा, क्या चाहिए अभी लेबर, क्या करना है मैनेजमेंट में, क्या करना है? कॉन्स्टेंट वॉच करना है. अगर थोड़ा भी नेग्लिजेंस हुआ तो क्या होगा, पूरा स्पॉइल हो जाएगा. किस चीज का ध्यान देना है कि सिल्क वर्म को कोई इन्फेक्शन ना हो, वायरस का, फंगस का, प्रोटोजोअन्स का. ये भी ध्यान देना है कि कोई एंड्स आकर नहीं इन्फेक्शन करे ट्री को, क्रोज से, बर्ड से बचाना है, प्रीडेटर से, ठीक है. अटैक, हेंस द केजेस ऑफ दिस लार्वे मस्ट बी मैनेज्ड टू प्रिवेंट द प्रीडेटर्स अटैक. अंडरस्टूड दिस मच? यस यस मैम. चलो नेक्स्ट, द लास्ट वन इज द लैक कल्चर. लैक क्या है? जो सीलिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है. लैक पता है ना आपको, आपके मम्मी वगैरह को पूछो, उनके पास शायद में भी बैंगल्स होंगे लैक के. लैक इज वेरी डेलिकेट, ठीक है, इट्स वेरी डेलिकेट. अगर थोड़ा भी अगर हाथ से गिर गया तो वो तुरंत टूट जाता है, इट्स वेरी डेलिकेट. बट एट द सेम टाइम इट इज वेरी स्टिफ ऑल्सो.
सो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, इंसेक्ट का नाम. सो लैक इज बीन प्रोड्यूस्ड बाय विच इंसेक्ट, ट्रेकार्डिया लैका. ट्रेकार्डिया लैका, सो अंडरलाइन. ये कोलोनियल इंसेक्ट है, मतलब कॉलोनीज में रहता है ये इंसेक्ट. उनके माउथ से क्या रिलीज होता है, रेजिन लाइक सब्सटेंस बाय द डर्मल ग्लैंड्स ऑफ फीमेल लैक इंसेक्ट. रेजिन लाइक सब्सटेंस इज प्रोड्यूस्ड बाय द डर्मल ग्लैंड्स ऑफ द फीमेल लैक इंसेक्ट. कौन प्रोड्यूस करता है, फीमेल लैक इंसेक्ट. फीमेल क्या खाती है, सक्यूलेंट ट्विग्स ऑफ प्लांट्स लाइक बेर, पीपल, पलास, कुसुम, बबूल एक्सेट्रा. और पिंक कलर का रेजिन को सिक्रीट करती है. ये रेजिन जब एयर के कॉन्टेक्ट में आता है तो हार्ड हो जाता है. अंडरस्टूड. लैक के अंदर क्या क्या चीजें होती है, शुगर, वाटर, मिनरल्स एंड अल्कलाइन सब्सटेंस होता है. जो नेचुरल लैक है, जो जो झाड़ पर दिखता है, देखो आप देख सकते हो यहाँ पर डायग्राम में भी बेटा, देखो ऐसे यहाँ पे ऐसे ढेर सारे लैक्स दिख रहे हैं आपको पिंक पिंक कलर के. तो जो नेचुरल लैक होता है ना, वो कंटामिनेटेड रहता है क्योंकि उसमें झाड़ के बार्क्स लगे होंगे, मट्टी लगी होगी. ठीक है, तो शेलैक इज अ प्योर फॉर्म ऑफ लैक ऑब्टेन्ड बाय वॉशिंग एंड फिल्टरिंग. जब हम उसको प्रोसेसिंग करते हैं तो जो नया जो लैक बनता है उसको हम शेलैक कहते हैं. शेलैक, शेल लैक. अंडरस्टूड. अच्छा, अब लैक का खास बात क्या है कि अपने इंडिया का इंसेक्ट है. सो 85% ऑफ लैक प्रोडक्शन इज डन इन इंडिया. ठीक है, देन लैक से क्या क्या बनते हैं, बैंगल्स बनते, टॉयज बनते, वुडवर्क, इंक्स, मिरर्स. Then it can also be done with the artificial inoculation of plants, which give better and regular supply of good quality lac. Understood about the lac culture also? Yes. Okay. Now, our next topic in your textbook is the microbes in human healthcare. Microbes. अब ये दूसरा topic है. Now next topic which we are going to learn, just go through. If you are having any doubt till here, पूरा एक बार देखो starting से कुछ doubt है क्या. We have completed the animal husbandry now. Earlier it was been a one lesson only. इतना एक lesson ही होता था. और जो आपने first part पढ़ा वो एक lesson हुआ करता था. मतलब प्लांट ब्रीडिंग एक पूरा टॉपिक हुआ करता था, एनिमल हस्बेंड्रिंग एक पूरा टॉपिक हुआ करता था, और माइक्रोब्स इन ह्यूमन हेल्थ एक तीसरा टॉपिक हुआ करता था. तो ये लेसन में आपको तीन टॉपिक्स को मर्ज किए गए हैं, तीन अलग अलग टॉपिक्स को मर्ज किया गया है. सो वो दो टॉपिक्स में कुछ डाउट है, जस्ट गो थ्रू. प्लीज गो थ्रू इन योर टेक्स्ट बुक. Is any doubt till here? Hello, ma'am. हाँ. ma'am, एक बार inbreeding depression बताओ ना. Inbreeding. Inbreeding मतलब same species के साथ जब mating किया जाता है for 4 to 6 generation. जैसे for example jersey गाय है, ठीक है, jersey गाय. Let us take that example. अब jersey गाय है, उसी का जो काऊ है, तो जर्सी जो बुल है सेम स्पीशीज है, उनका मेटिंग कराएंगे हम,
उनसे जो बच्चे होंगे उसमें से जो सुपीरियर होगा उसमें से भी जो उनके बच्चे समझो फॉर एग्जांपल F1 जनरेशन हो गया तो F1 जनरेशन में जो सुपीरियर बुल होगा जर्सी बुल होगा और जो जर्सी काय होगी उसको हम वापस मेट करवाएंगे, ये हो गया फर्स्ट जनरेशन। फिर वापस उनसे जो बच्चे होंगे फिर F2 जनरेशन आ गया, F2 जनरेशन में भी वही चीज हम करेंगे, जो सबसे सुपीरियर मेल होगा फीमेल होगा उससे मेट कराएंगे, तो F3 जनरेशन आएगा, फिर F4 जनरेशन आएगा, ऐसे समझ में आ गया। तो इसको क्या करेंगे हम, मतलब क्या इनब्रीडिंग, मतलब सेम स्पीशीज में ही क्या होगा हम 4 to 5, 6 जनरेशन मेटिंग कराएंगे, तो इससे हमें क्या मिलेगा होमोजाइगोसिटी, मतलब जो उसकी मेन क्वालिटी है वही कंटिन्यू होगी। और आउटब्रीडिंग में क्या होता है हम अलग अलग ब्रीड्स का इस्तेमाल करते हैं, समझा मेरी बात, जैसे मैंने जर्सी ले लिया, मैंने होल्स्टेन ले लिया काऊ ये दोनों भी, पर जर्सी और होल्स्टेन ले लिया और फिर उनसे ब्रीड करवाया, ठीक है, और ब्रीड करवाने के बाद फिर उनसे नए उनके बच्चों में से जो सुपीरियर मेल फीमेल है फिर ऐसे सेलेक्ट करते करते हुआ, समझ में आ गया। इन ब्रीडिंग और क्रॉस ब्रीडिंग में ये फर्क है। एनी अदर डाउट मैम, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है? हाँ, इनब्रीडिंग डिप्रेशन मतलब क्या है, अब जैसे रेसेसिव पार्ट है, ठीक है, जो रेसेसिव पार्ट है तो होमोजाइगोसिटी में क्या प्रॉब्लम होता है, प्योर लाइन में क्या प्रॉब्लम होता है, व्हाई वी आर गोइंग फॉर अ हाइब्रिड बेटा, क्योंकि प्योर लाइन में क्या प्रॉब्लम है कि जो कमी है वो बार 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 आ रही है ना, रेसेसिव जीन है वो भी तो आएगा ही ना, क्योंकि ये हम क्या कर रहे हैं इनब्रीडिंग कर रहे हैं तो उसको हम डिप्रेशन कह रहे हैं। तो जो रेसेसिव जीन है जो डिप्रेशन है हम उसको एलिमिनेट कर सकते हैं बाय डूइंग 4 to 6 जनरेशन। डिप्रेशन मींस जो रेसेसिव जीन है जो अच्छी वाली जीन नहीं है उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं बाय डूइंग मल्टीपल दिस थिंग मल्टीपल रिप्रोडक्शन। अंडरस्टूड? यस। एनी अदर डाउट? Wait, I will show you that PPT itself again. That just go through. Or kisi ko kuch doubt hai to please poocho so that we can move on to the next topic. That is the microbes in human welfare. देखो बेटा इनब्रीडिंग का जो आप मुझे पूछ रहे थे, देखो दोनों सेम काऊ है सिर्फ कलर अलग है ना, पर ब्रीड सेम है ना दोनों का। yes. तो देखो इनसे ये जनरेशन भी वही मिल रहा है, ये भी रॉन है, ये भी रॉन है, रॉन मतलब पैच वाले। देखो ये डिप्रेशन आपके टॉप इसमें नहीं है, सिलेबस में नहीं है, बट इससे क्या हो रहा है जो रेसेसिव जीन है वो एलिमिनेट हो जा रहा है। ये देखो ये रेसेसिव है, इसको हम एलिमिनेट किया जाएगा, ठीक है, that has been called as a depression, inbreeding depression, recessive has been eliminated. Done. Shall we start with the microbes? Yes. Okay. So, microbes in human welfare. अभी आपने human health and disease में वो microbes पढ़े जो जिससे कि बीमारियां होती हैं, है ना, आपने कुछ protozoan पढ़े जिससे कि मलेरिया होता है, आपने worms पढ़े जिससे ascariasis होता है, आपने Bacteria bancrofti के बारे में पढ़ा, आपने typhoid bacteria के बारे में पढ़ा, salmonella typhi के बारे में, you have learned about viruses जिससे कि AIDS होता है, बहुत सारी बीमारियों के बारे में पढ़ा in the human health and disease. अब इस लेसन में हम माइक्रोब्स के बारे में पढ़ेंगे पर उसके अच्छे पार्ट के बारे में। तो देयर आर सम माइक्रोब्स व्हिच आर यूजफुल,
जरूरी नहीं है कि सारे बैक्टीरिया सारे वायरस और सारे एवरीथिंग इज हार्मफुल. सम आर यूजफुल ऑल्सो विच वी यूज इन अवर ओन वेलफेयर. सो दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस पर्टिकुलर लेसन. ठीक है. सो बायोटेक्नोलॉजी के मदद से आपका बायोटेक्नोलॉजी लेसन पढ़ा के हो गया बच्चा. तो आपने देखा है ना कि बायोटेक्नोलॉजी में हम इकोलाय बैक्टीरिया से प्लाज्मिड्स का बैक्टीरियोफेजेस की मदद से कुछ भी इनकॉर्प्ट कर सकते हैं जीन्स कर सकते हैं. सो बायोटेक्नोलॉजी के मदद से जेनेटिक इंजीनियरिंग के मदद से हम क्या कर सकते हैं. वी कैन डू द प्रोसेसिंग ऑफ मटेरियल बाय बायोलॉजिकल एजेंट्स. व्हाट आर बायोलॉजिकल एजेंट. माइक्रोब्स टू प्रोवाइड गुड गुड्स एंड सर्विस टू द ह्यूमन वेलफेयर. सो देर आर वराइटीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि एल्गे फंगाई बैक्टीरिया वायरस प्रोटोजोन नेमाटोड्स. नेमाटोड्स मतलब वर्म्स. एंड देयर प्रोडक्ट्स दैट एग्जिबिट बेनिफिशियल एक्टिविटीज. अब हम इसमें इनका नुकसान वाला नहीं पढ़ने वाले. तो देर आर सम फंगाइज जो हमारे लिए यूजफुल है. देर आर सम बैक्टीरिया विच आर यूजफुल. देर आर सम वर्म्स विच आर यूजफुल. ठीक है. तो वो कौन है वो आपको पढ़ना है. Which are been used for human welfare regarding food, regarding health, regarding industry, agriculture, medicine, biocontrol, etc. So these organisms are used variously in food, feed technology, industry, waste utilization, energy production, etc. ये सारे चीजें आपको पढ़ना है कि कौन से bacteria कहाँ पे use होते हैं. अभी देखो microbes in food preparation. पहले जमाने में भी आपको पता ही है. अगर आपने कभी मम्मी को दही बनाते हुए देखा होगा या मम्मी से पूछो मम्मी क्या करती है दही बनाने के लिए कि एक थोड़ा सा इनोकुलेशन रखती है. थोड़ा सा छोटा सा एक स्पून ऑफ दही रखती है और फिर उस दही को मिल्क में मिक्स करके नया पूरा दही बन जाता है. तो इसका मतलब क्या है. वो जो छोटा सा इनोकुलेशन है जो छोटा सा एक स्पून ऑफ दही वो रखती है तो वो उसमें क्या होता है. देर आर बैक्टेरियाज विच आर बीन प्रेजेंट. गुड बैक्टेरियाज है ना. आप सबको पता है ना कि देर आर गुड बैक्टेरियाज जिसकी वजह से दही किससे बनता है. बैक्टेरिया से ही बनता है ना. चीज किससे बनता है. बैक्टेरिया से बनता है ना. आप सबको चीज पसंद है बैक्टेरिया से बनता है. देर आर मेनी थिंग्स. सो डेवलपमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अकर्ड इन टू फेजेस. पहले ट्रेडिशनल फेजेस था और मॉडर्न फेजेस. ट्रेडिशनल फेजेस में क्या किया जाता था. फर्मेंटेशन किया जाता था बाय यूजिंग फर्मेंटिंग बैक्टीरियाज. जो आप इडली इतने मजे से खाते हो इडली खाते हो ढोकलाज खाते हो ये सब फर्मेंटेशन से बनता है. हाँ जो भी ये है बीवरेजेस है. बीवरेजेस में मतलब जैसे कि जो भी लिकर्स है. हाँ बियर हो गया जो भी बियर विस्की एंड ऑल हो गया वो भी फर्मेंटेशन से बनता है. ठीक है. तो जो भी फर्मेंटेड चीजें हैं उसके लिए किसका मदद लगता है. बैक्टीरियाज का या माइक्रोब्स का. नॉट बैक्टीरियाज माइक्रोब्स का मदद लगता है. सो दे आर बीन यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेनी फर्मेंटेड फूड प्रोडक्ट्स. द बेस्ट एग्जांपल इज ऑल दिस थिंग्स लाइक डोसा हो गया इडली हो गया ढोकला हो गया. क्या किया जाता है उसको रात भर भिगो के रखा जाता है चावल एंड दाल. ठीक है. उससे क्या होता है बैक्टीरिया ग्रो करता है उसके अंदर. विच बैक्टीरिया. अभी तक तो आपको सिर्फ बचपन में पढ़ाया कि ठीक है इडली एंड ढोकला फर्मेंटेशन से होता है बैक्टीरिया से होता है. बट अभी आपको 12th स्टैंडर्ड के लिए उसका नाम भी पढ़ना है. अब इस लेसन में ना बेटा आपको क्या डिफिकल्ट जाएगा. अलग अलग बैक्टीरियाज के नाम माइक्रोब्स के नाम याद रखना. बट उसके लिए आपको बेटा रेगुलर स्टडी करना पड़ेगा तभी वो माइक्रोब्स के नाम आपको याद रह पाएंगे. So, idli, dhokla and all are been fermented products which are been done with the help of bacteria. They are fermented preparations of rice and black gram, jisko udad dal kehte hain, with airborne bacteria, leuconostoc and streptococcus species of bacteria. So, kaun se bacteria hai jo fermentation mein madad karte hain? Leuconostoc and the streptococcus bacteria. CO2 कैसे प्रोड्यूस होता है. फर्मेंटेशन से. यू नो दैट एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है ना. तो अगेन आपने एनएरोबिक रेस्पिरेशन डिटेल में पढ़ा है कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन का जो बाय प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है CO2. और CO2 के वजह से कोई भी जो इडली है जो ढोकलाज है वो क्या होता है फ्लफी होता है सॉफ्ट हो जाता है. अंडरस्टूड. यस यस. ओके. अच्छा now directly going over here let me just go back to the textbook. so
सो हमने देखा ट्रेडिशनल मॉडर्न मेथड देखा इडली ढोकलास का देखा प्लीज अंडरलाइन द नेम ऑफ दिस थिंग ल्यूकोनोस्टॉक एंड स्ट्रेप्टोकोकस स्पीशीज प्लीज अंडरलाइन Now next we are going to learn as a microbes as a source of food. Microbes as a source of food. मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था अबाउट द स्पाइरुलिना सिंगल सेल प्रोटीन में है ना स्पाइरुलिना क्या है एल्गे है ना सो माइक्रोब्स फॉर देयर फ्रूटिंग बॉडीज आर डायरेक्टली यूज्ड एज फूड विच आर रिच इन विटामिन्स एंड प्रोटीन्स द टर्म एससीपी ये तो हमने अभी पहले वाले ही पार्ट में पढ़ा था सिंगल सेल प्रोटीन हमने स्पाइरुलिना के बारे में पढ़ा था denotes dead and dried cells of microbes like bacteria, algae, molds or yeast. Mold matlab fungus and yeast. Some mushrooms and truffles are directly used as food. Hai na? Hum mushrooms use karte hain, truffles use karte hain food mein. They belong to higher fungi. They produce large fleshy fruiting bodies which are edible. These fruiting bodies are sugar free. Carbohydrate free, fat free, but they are rich in proteins, vitamins and minerals and amino acids. है ना? तो जो mushrooms है, they are been used as a diet food. Mushrooms are been used as a diet food. क्यों? क्योंकि उसमें ना sugar है ना fat है. So food in the fruiting body is having low calories. Low calories क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उसमें sugar भी नहीं है, fat भी नहीं है, इसलिए low calorie food है. Understood. You can see this fungi, yeast, algae, bacteria, and these are truffles. You can see these are mushrooms. Truffles or mushroom में देखो क्या ऐसा. Truffles में ये डंडा नहीं ये नहीं रहता ऐसा stalk नहीं रहता. Understood. Shall we move forward? Dairy products. Yes. Okay. Now dairy products के लिए सबको चीज पसंद है सबको कर्ड पसंद है तो कौन सा बैक्टीरिया इस्तेमाल होता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया LAB lactobacillus is added to the milk. It ferments lactose sugar of milk into lactic acid. इसलिए दही खट्टी होती है because of lactic acid. So क्या convert होता है sugar is converted into lactic acid. Lactic acid causes coagulation. Coagulation मतलब दही कैसा होता है coagulated होता है ना thick हो जाता है. And partial digestion of milk protein also is been done. That is casein. मतलब sugar का तो sugar is been converted into lactic acid and प्रोटीन इज ऑल्सो प्रोटीन का भी पार्शियल डाइजेशन ये बैक्टीरिया कर देते हैं सो मिल्क इज बीन चेंज्ड इनटू कर्ड और योगर्ट और अ चीज उसके लिए हमें क्या लगता है इनोकुलम और अ स्टार्टर जो मम्मी मैंने अभी आपको बताया ना एक स्पून जो दही लगता है जमाने के लिए दही जमाने के लिए दैट इज बीन कॉल्ड एज अ स्टार्टर और अ इनोकुलम विच कंटेन्स मिलियंस ऑफ दिस LAB दैट इज लैक्टिक एसिड बैक्टीरियाज तो अभी आप इसमें क्या नाम याद रखना है ये बैक्टीरिया का नाम क्या चीज किसमें कन्वर्ट होता है लैक्टोज इनटू लैक्टिक एसिड एंड पार्शियल डाइजेशन ऑफ केसी दैट इज अ मिल्क प्रोटीन अब आपको देखना है कि किसमें क्या चीज लगता है सो कर्ड के लिए कौन सा बैक्टीरिया योगर्ट के लिए कौन सा एंड बटर मिल्क में क्या कर्ड मैं कौन सा बैक्टीरिया लगता है लैक्टोबैसिलस ही है पर उसका स्पीशीज अलग है लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस कौन सा लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस अंडरलाइन ऑल ऑफ यू सो बिकॉज ऑफ दैट क्या बनता है कर्ड बनता है इट ऑल्सो चेक द चेक्स ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म योगर्ट को बनाने के लिए क्या चाहिए स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफाइलस एंड लैक्टोबैसिलस बल्गारिकस फॉर योगर्ट फॉर्मेशन नेक्स्ट बटर मिल्क
जब ही दही को पानी में डाल के चर्निंग किया जाता है, दैट इज बीन कॉल्ड एज अ बटर मिल्क. एसिड्यूलेटेड लिक्विड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि लैक्टिक एसिड बना है ना दही में, तो इसके लिए हम उसको एसिड्यूलेटेड लिक्विड बोल रहे हैं. आफ्टर चर्निंग है ना, वो चर्निंग किया जाता है ऑफ बटर फ्रॉम कर्ड इज कॉल्ड एज अ बटर मिल्क. तो जब आप दही में पानी डाल के इसको चर्न करोगे ना, तो ऊपर बटर आ जाता है फ्रॉम कर्ड, ऊपर ऊपर पूरा बटर आ जाता है. सो देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज अ बटर मिल्क, और व्हाइट कलर का इसमें बटर मिल्क. डन. अब हम चीज देखते हैं. अभी चीज में भी आपने बहुत सारे अलग अलग टाइप के चीज देखे होंगे. आप लोग सब तो पिज्जा खाते ही हो, उसमें बहुत सारे अलग अलग चीज वाले फ्लेवर वाले पिज्जाज आते हैं, है ना. सो क्या 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 किया जाता है, मिल्क इज कोएगुलेटेड विथ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ठीक है, कोएगुलेशन कर दिया, एंड कर्ड फॉर्म इज फिल्टर्ड टू सेपरेट द वे, ठीक है. अब जो कर्ड बना है ना, वो कर्ड को में से जो पानी है, वे मतलब क्या होता है, पानी, ठीक है. अगर आप कर्ड को ऐसे मसलिन क्लॉथ में रखोगे, मसलिन कपड़े में, मतलब पतले कोई कॉटन के कपड़े में रखोगे ना, तो क्या होगा, उसमें से सारा पानी निकल जाएगा. तो दैट पानी इज बीन कॉल्ड एज अ वे, ठीक है. ये जो सॉलिड मास है इज देन राइपन, इसी से श्रीखंड भी बनता है. ऑल ऑफ यू नो अबाउट द श्रीखंड ऑल्सो. श्रीखंड भी अगर आप मम्मी वगैरह को पूछोगे तो वैसे ही बनता है. दही को ऐसा लटका के रखा जाता है, मतलब क्लॉथ में बांध के लटका के रखा जाता है, और उसमें का सारा पानी निकल जाता है, दैट इज वे निकल जाता है, एंड देन उसमें शुगर ऐड किया जाता है, दैट इज बीन कॉल्ड एज अ श्रीखंड. और उसको चीज कैसे बनाया जाएगा, अब ये जो सॉलिड मास है इज देन राइपन विथ ग्रोथ ऑफ मोल्ड, इसमें फंगस डाला जाता है दैट डेवलप्स फ्लेवर इन इट. तो चीज में जो फ्लेवर आता है ना, इट इज बिकॉज ऑफ दैट फंगस, दैट इज मोल्ड. डिफरेंट वैरायटीज ऑफ चीज आर नोन बाय देयर कैरेक्टरिस्टिक्स टेक्सचर फ्लेवर टेस्ट दैट डिपेंड्स अपॉन दैट स्पेसिफिक माइक्रोब्स. जो माइक्रोब्स इस्तेमाल किया जाएगा उस अनुसार वो चीज का फ्लेवर होगा, टेस्ट होगा, टेक्सचर होगा, ठीक है. जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, रोक्यूफोर्ट चीज, कैमेम्बर्ड चीज, ये दोनों को किससे राइप किया जाता है, बाय ब्लू ग्रीन एल्गे मोल्ड्स, दैट इज पेनिसिलियम रोक्यूफोर्टी एंड पेनिसिलियम कैमेम्बर्टी. अंडरस्टूड. आपने स्विस चीज देखा होगा, जो रैट आपने बचपन में देखा होगा कि वो रैट जो है वो स्विस चीज खाता है, और कोई कार्टून फिल्म्स में देखा होगा. तो स्विस चीज में ऐसे होल होते हैं, आप देख सकते हो बेटा, ऐसे स्विस जो चीज होता है ना, उसमें ऐसे नेचुरली होल होते हैं. तो किस लिए डेवलप होते हैं होल, बिकॉज ऑफ द CO2 बाय बैक्टीरिया नोन एज प्रोप्यूनी बैक्टेरियम शर्मैनी. ये बैक्टीरिया के वजह से CO2 फॉर्म होता है, और ये CO2 के वजह से इसमें स्विस चीज में होल होता है, नेचुरली होल होता है. सो प्लीज अंडरलाइन नेम्स ऑफ ऑल द बैक्टीरियाज, यू विल बी अंडरलाइनिंग अबाउट द पेनिसिलिन रोक्यूफोर्टी एंड पेनिसिलिन कैमेम्बर्टी for both this cheese and for the Swiss cheese, you will be underlining the name of this bacteria, that is the Propionibacterium shermani. Done? Yes. चलो ये हो गया अभी डेयरी इंडस्ट्री वाला, ठीक है. अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि माइक्रोब्स इंडस्ट्रीज में कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. तो ड्यूरिंग फर्मेंटेशन वराइटीज ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक एल्कोहल बीवरेजेस ऑर्गेनिक एसिड्स विटामिन्स ग्रोथ हॉर्मोन्स एंजाइम्स एंटीबायोटिक्स ये सब प्रोड्यूस किए जाते हैं इंडस्ट्रीज में. द प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल स्केल रिक्वायर्स ग्रोइंग माइक्रोब्स इन वेरी लार्ज वेसल्स विच आर बीन कॉल्ड एज अ फर्मेंटर. Yes, ये फर्मेंटर के अंदर ये माइक्रोब्स को ग्रो किया जाता है, ग्रो किया जाता है.
Main function of the fermenter is to provide controlled environment for growth of an organism or a defined mixture of microorganism to obtain the desired product. तो फर्मेंटर का काम क्या है कि जो भी उसका बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए जरूरत है वो इस फर्मेंटर में हर एक चीज वो मौजूद है जो उसको बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए जरूरत है, ठीक है, एंड मिक्सचर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. और ये फर्मेंटर किस लिए है, क्योंकि हम बैक्टीरिया को ग्रो करेंगे और फिर सॉरी बैक्टीरिया बोल रही हूँ मैं बार बार, हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करेंगे और फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें जो डिजायर्ड प्रोडक्ट्स चाहिए वो हम ऑब्टेन कर सकते हैं. So please underline fermenter. Please all of you underline fermenter. What is fermenter? It's a large vessel. आप देख सकते हो स्क्रीन पे, fermenter is a large vessel. जहाँ पे जो इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है, किस लिए? माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए. Done? Yes. चलो अब हम देखते हैं कि अल्कोहल कैसे बनता है, ठीक है. नाउ बीवरेजेस इज अ लिक्विड. बीवरेजेस मतलब क्या होता है, कोई भी लिक्विड यूज्ड और प्रिपेयर्ड फॉर ड्रिंकिंग. जैसे कि टी भी एक बीवरेज है, कॉफी भी बीवरेज है, बियर, वाइन, विच विल एक्ट एज अ स्टिम्यूलेंट. जैसे टी को पीने के बाद, कॉफी पीने के बाद रिफ्रेश फील होता है, वैसे ही जो लोग बियर पीते हैं, वाइन पीते हैं, उनको रिफ्रेश फील होता है. तो दैट मींस व्हाट इज अ स्टिम्युलेंट. सो अल्कोहलिक बेवरेजेस आर द प्रोडक्ट ऑफ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन ऑफ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट. यहाँ पे भी हम माइक्रोब्स का इस्तेमाल करते हैं मेकिंग बेवरेजेस. और ये कब से शुरू है, वैदिक पीरियड से. नाउ माइक्रोब्स लाइक ईस्ट आर यूज्ड फ्रॉम फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, मतलब काफी समय से यूज किया जा रहा है ईस्ट का. इसलिए ईस्ट आपको पता है, ये पाओ ब्रेड, पिज्जा का जो बेस होता है, ये सब बनाने के लिए भी ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है. तो ईस्ट का इस्तेमाल तो न जाने कब से किया जा रहा है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बीवरेजेस लाइक वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी एंड द रम. इसके लिए हम कौन, ईस्ट का तो नाम आपको पता ही है कि हम उसको क्या बोलते हैं, सैक्रोमाइसी सर्वेस. उसके अंदर अलग अलग स्पीशीज है. उसके अंदर जो स्पीशीज एलिपसोडाइडिस है वो हम कहाँ पे यूज करते हैं, फॉर बीवर ईस्ट. बीवरर्स ईस्ट मतलब जो बीवरेज बनाने में मदद करता है. इट इज यूज्ड फॉर फर्मेंटिंग द माल्टेड सीरियल्स फ्रूट जूस टू प्रोड्यूस द इथेनॉल. ठीक है, तो आप सबको ये पता ही है कि वाइन हो, बियर हो, विस्की हो, ब्रांडी हो या रम हो, वो सब या तो सीरियल्स से बनते हैं या तो फ्रूट जूस से ही बनते हैं बाय डूइंग द फर्मेंटेशन, है ना. सो अंडरलाइन ब्रीवर्स ईस्ट. ब्रीवर्स ईस्ट को अंडरलाइन करो, नाम को अंडरलाइन करो. ब्रीवर्स ईस्ट मतलब जो ब्रीवरेज बनाने में मदद करता है. अब आपको देखना है कि वाइन, बियर, विस्की, रम में क्या फर्क है. ना किया अंडरलाइन सबने? Have you all underlined? Yes. Yes. So among the beverages, wine, beer are produced without distillation. Distillation का मतलब पता है आपको बेटा? पता ही होगा. डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है? डिस्टिलेशन का मतलब हीट करते हैं. हीट करते हैं, फिर उससे क्या होगा? उससे इवेपोरेट होता है. वेरी गुड, इवेपोरेशन होता है, मतलब कि कॉन्सेंट्रेटेड, है ना. आई कैन इन वन वर्ड आई कैन से कॉन्सेंट्रेटेड. तो जो वाइन और बियर होता है वो विदाउट डिस्टिलेशन होता है, इसलिए वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होता. जबकि विस्की, ब्रांडी एंड रम क्या होता है, दे आर डिस्टिल्ड बीवरेजेस, मतलब दे आर हाईली कॉन्सेंट्रेटेड. समझ में आया? तो कॉन्सेंट्रेशन का फर्क है इसमें दोनों में. तो बियर एंड वाइन विदाउट डिस्टिलेशन, विस्की, ब्रांडी, रम विद डिस्टिलेशन. अच्छा, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? ट्यूबर टावर फर्मेंटर. ये जो भी आपने डायग्राम देखा ना, ये ट्यूबर टावर का ही है. ये देखो, ये ट्यूबर टावर फर्मेंटर.
ये फर्मेंटर है पर उसमें ट्यूबर टॉवर फर्मेंटर इज यूज्ड फॉर अ लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ दिस अल्कोहल. सेवरल ट्रेडिशनल ड्रिंक्स एंड फूड्स आर ऑल्सो मेड थ्रू फर्मेंटेशन बाय ईस्ट. अब इस झाड़ पे देख सकते हो बेटा, व्हाट डू यू कैन सी, यू मस्ट हैव सीन दिस इन योर नेटिव प्लेसेस एंड ऑल. देखा है कभी नेटिव प्लेस पे ऐसा झाड़ पे लगा के रखते हैं? दैट इज बीन कॉल्ड एज नॉर्मली ताड़ी कहा जाता है या फिर नीरा भी कहा जाता है ना. सो व्हाट इज दैट, ये ट्रेडिशनल मेथड से बनाया जाता है. ठीक है, सो टुडे ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ कोस्टल रीजन इन साउथ इंडिया इज मेड बाय फर्मेंटिंग द शुगर सैप एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पाम प्लांट्स एंड कोकोनट पाम्स. यू कैन सी ओवर हियर पाम ट्रीज एंड कोकोनट पाम्स में से ये शुगर सैप एक्सट्रैक्ट किया जाता है. सो द फेमस वाइन ऑफ गोवा इज ऑल कॉमनली कॉल्ड एज, वेरी फेमस इज कॉल्ड एज फेनी. फेनी किससे बनता है? बाय फ्लेशी पेडिसिल ऑफ कैशू फ्रूट्स. ठीक है, जस्ट गो थ्रू बेटा, आई एम कमिंग इन वन मिनट. Okay, so all of you have seen this part. Okay, now next topic which we are going to learn is the production of organic acids. So अभी तक हमने beverages में देखा, alcoholic beverages में कहाँ पे microbes इस्तेमाल होते हैं, अब हम organic acids में देखेंगे.
So microbes are also used in the commercial and industrial production of certain organic acids also. Jaise ki, they have been used, can be produced directly from glucose, that is gluconic acid, or formed as end product from the pyruvate or the ethanol. So ye aapko pura table yaad karna hai bachcha, you have to memorize this full table. कौन सा ऑर्गेनिक एसिड सिट्रिक एसिड बनाने के लिए कौन सा माइक्रोब्स इस्तेमाल होता है? एस्परजिलस नाइजर. ग्लूकोनिक एसिड बनाने के लिए एस्परजिलस नाइजर. फ्यूमरिक एसिड बनाने के लिए राइजोपस. एसिटिक एसिड मतलब विनेगर बनाने के लिए एसिटोबैक्टर. ठीक है, सो दिस ऑर्गेनिक एसिड्स, ये सब एसिड्स है ना, सब अलग अलग टाइप के एसिड है, सिट्रिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड, फ्यूमरिक एसिड, एसिटिक एसिड, इसलिए ऑर्गेनिक एसिड है. हाँ, द ऑर्गेनिक एसिड्स आर यूज्ड variously, जैसे कि citric acid is used in confectionaries, fumaric acid is used in resins as wetting agent, and gluconic acid is used in medicines for solubility of calcium ions. You can see on the screen, है ना, ये देखो chocolates वगैरह बनाने के लिए citric acid का इस्तेमाल होता है ना, जो आप orange, जो भी आप poppins वगैरह खाते हो, या थोड़ा जो भी चॉकलेट्स वगैरह होते हैं जिसमें जो खट्टापन होता है चॉकलेट्स में, इट इज बिकॉज ऑफ द सिट्रिक एसिड. फ्यूमरिक एसिड भी आप देख सकते हो, इट इज बीन यूज्ड फॉर वेटिंग एजेंट एज अ रेजिन इन वेटिंग एजेंट फॉर मेकिंग द फ्रूट सलाड्स एंड ऑल. एंड ग्लूकोनिक एसिड इज यूज्ड इन मेडिसिन फॉर द सोल्युबिलिटी ऑफ द कैल्शियम आयंस. अंडरस्टूड? सो ये टेबल आपको याद करना है, प्लीज बॉक्स द टेबल इन योर बुक ऑल्सो, और उसका काम को भी अंडरलाइन करो. सिट्रिक एसिड फॉर ऑल कन्फेक्शनरी फूड्स, मतलब फूड आइटम्स. फ्यूमरिक इन वेटिंग एजेंट्स फॉर मेकिंग फ्रूट सलाड्स एंड ऑल. एंड ग्लूकोनिक एसिड फॉर सोल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम आयंस, एंड दैट बॉक्स शुड बी अंडरलाइन. सिट्रिक एसिड कौन से इससे बनता है, ग्लूकोनिक एसिड किससे बनता है, एंड ऑल. नेक्स्ट, लेट अस सी इन द प्रोडक्शन इन विटामिंस. अभी आपको मल्टी विटामिन के टैबलेट्स मिलते हैं बाजार में, अभी आपने कोरोना टाइम में बहुत खाए भी होंगे मल्टी विटामिन के टैबलेट, है ना. तो मल्टी विटामिन के टैबलेट्स बनते कैसे हैं, अगेन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स. सो विटामिंस आर सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड विच आर केपेबल ऑफ डूइंग मेनी ऑफ द फंक्शन इन अवर बॉडी. दे आर द प्रीकर्सर्स ऑफ मेनी ऑफ द थिंग्स, है ना. विटामिन क्यों जरूरी है, बिकॉज विटामिन इज अ प्रीकर्सर फॉर फॉर्मिंग मेनी ऑफ द थिंग्स इन अवर बॉडी. दिस कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय द ह्यूमन बींग्स एक्सेप्ट विटामिन डी, है ना. विटामिन डी तो हमें नेचुरल सनलाइट से मिलता है, पर बाकी के विटामिन हम सिंथेसाइज कर ही नहीं सकते. देयरफॉर वी हैव टू डिपेंड अपॉन द वेजिटेबल्स फ्रूट्स फॉर गेटिंग द विटामिन, क्योंकि हमें वेजिटेबल और फ्रूट से ही विटामिन मिलते हैं. सो वी शुड गेट इट फ्रॉम द डाइट. समझो आप प्रॉपर फूड नहीं खा रहे हो, प्रॉपर वेजिटेबल्स नहीं खा रहे हो, फ्रूट्स नहीं खाते हो, तो आपको क्या चाहिए, आपको फिर टैबलेट्स लेना पड़ेगा. तो टैबलेट्स बनते कैसे हैं, तो टैबलेट्स है माइक्रोब से बनते हैं. So microbes are capable of synthesizing the vitamins, and hence they can be successfully used for the commercial production of many of the vitamins, jaise ki thiamine, riboflavin. आप यहाँ पे चार्ट में देखो कि कौन से विटामिन को क्या नाम से बोला जाता है, pyridoxin, folic acid, all these things. विटामिन ए को क्या बोला जाता है, रेटिनॉल. विटामिन डी को क्या बोला जाता है, कैल्सिफेरॉल. विटामिन ई को क्या बोला जाता है, टोकोफेरॉल. ये नाम अभी आपको याद रहना चाहिए, दोज आर अपियरिंग फॉर नीट ऑल्सो. जो लोग को नीट में इंटरेस्ट है, ये नाम आपको याद रहना चाहिए कि कौन सा विटामिन को क्या बोला जाता है. डन. ये सारे विटामिन कैसे बनते हैं, माइक्रोब से. तो ये विटामिन क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया, बीटा कैरोटीन इज अ प्रो विटामिन ए. Then, ergosterol is a pro-vitamin D. मतलब pro-vitamin D मतलब vitamin D बनने के लिए जो चीज की जरूरत है, that is ergosterol. Vitamin A बनने के लिए जो जरूरत है, pro है ना, तो that is beta carotene. The vitamins are manufactured by fermentation using microbes. तो जैसे for example आपको सब vitamins का नहीं दिया है, आपको सिर्फ तीन vitamins का पढ़ने के लिए दिया है, सबका रहता तो आप दिमाग आपको चक्कर आ जाता है ना. तो आपको सिर्फ तीन ही विटामिन पढ़ने के लिए दिए कि बी टू किससे बनता है, बी ट्वेल्व किससे बनता है, बी सी विटामिन सी किससे बनता है. तो आपको ये नाम याद करने हैं.
Have you underlined that box? Box में डाला? Yes. इसको स्क्रीनशॉट लिया आपने? Yes. Of vitamins. Okay. चलो अब हम चलते हैं एंटीबायोटिक्स, है ना. अगर हमारी तबीयत खराब है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको क्या देता है? एंटीबायोटिक्स देता है. पर एंटीबायोटिक्स बनते कैसे? माइक्रोब से. ठीक है, मतलब बैक्टीरिया को मारने वाला दूसरा बैक्टीरिया इज द एंटीबायोटिक्स. समझा? सो एंटीबायोटिक्स आर अ ग्रुप ऑफ कंपाउंड सिंथेसाइज बाय इंडस्ट्रियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. Most antibiotics are secondary metabolites. They are having therapeutic importance and used in medical treatment. They are produced in small amount by certain microbes, just like bacteria, fungi, algae, which inhibits the growth of other microbial pathogens. ऐसे bacterias जो कि दूसरे bacterias को मारते हैं, ठीक है, and therefore they are used in medicine. एंटीबायोटिक्स आर एंटीबैक्टीरियल. एंटीबैक्टीरियल मतलब बैक्टीरिया को मारने वाला, या एंटी फंगल, फंगस को मारने वाला. तो एंटीबायोटिक्स इसलिए इस्तेमाल करते हैं जब भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो किसी को या फंगल इन्फेक्शन हो, यही दो कंडीशन में एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल होता है. वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक्स नहीं इस्तेमाल किया जाता. सो एंटीबायोटिक्स आर ग्रेटली इम्प्रूव्ड अवर कैपेसिटी टू ट्रीट द डेडली डिजीजेस लाइक प्लेग, वूफिंग कफ, डिप्थेरिया, लेप्रसी, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है. अंडरस्टूड? नॉट द वायरल. वायरस एंटीबायोटिक से नहीं मरता. तो आपको एक लिस्ट है पढ़ने के लिए, जैसे क्लोरोमाइसिटिन कौन से माइक्रोब से बनता है? स्ट्रेप्टोमाइसिस से. इरिथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ग्रीसोफिलविन, देन बेसिट्रेसिन. जो लोग डॉक्टर्स बनने वाले हैं वो लोग तो इसको अच्छे से ही पढ़ लो, ठीक है, बिकॉज ये सब कंटेंट है दवाई के, और अलग अलग ब्रांड नेम्स होते हैं. कंटेंट उसके अंदर यही चीज होता है, अलग अलग ब्रांड नेम्स होते हैं. देन टेट्रामाइसिन, एंड कौन से बैक्टीरिया से बन रहा है? अगेन बैक्टीरिया का नाम यहाँ पे इम्पोर्टेंट है. अंडरस्टूड? यस. और ये सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स हैं. नाउ अगेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स बनाने के लिए भी हमें बैक्टीरिया की मदद लगती है. एंजाइम्स बनाने के लिए वी नो दैट, अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी का डाइजेशन में प्रॉब्लम है, जैसे आप डॉक्टर बन गए, कोई पेशेंट है आपके पास कि मैं सर मेरा डाइजेस्ट ही नहीं होता है, फूड मुझे वॉमिटिंग होता है, ये होता है, वो होता है, तो आप उसको क्या करोगे? मतलब अगर बहुत सीवियर केस है, अगर उसके बॉडी में एंजाइम्स ही नहीं बन रहे तो हम क्या करेंगे? उनको एंजाइम्स के टैबलेट्स देंगे. समझ में आ गया है कि नहीं? यस. तो हम क्या करेंगे? एंजाइम्स के टैबलेट देंगे. पर ये एंजाइम्स के टैबलेट बनते कैसे? अगेन रूट कॉज क्या है? माइक्रोब्स हैं. So enzymes plays a very important role. Enzymes are protein, we know. Okay? They are doing the catalyst. They are biocatalyst. They are speeding up the reaction. है ना, बहुत सारे microbes हैं जो enzymes बनाते हैं. So using these tiny features, we can make n number of enzymes which can be used in commercial process. जैसे कि amylase, cellulase, proteases, lipase, pectinase, streptokinase, अलग अलग enzymes, ठीक है. सो हम इसका microbes का इस्तेमाल करके enzymes को grow कर सकते हैं. कहाँ पे कर सकते हैं? इन द पल्प, इन द पेपर इंडस्ट्रीज. दे आर इन्वॉल्व इन बायोकेमिकल मैकेनिकल पल्पिंग एंड ब्लीचिंग. एंजाइम्स का मदद हम पल्पिंग एंड ब्लीचिंग में भी करते हैं. फूड इंडस्ट्री में तो भर भर के इसका इस्तेमाल होता है, जैसे ब्रेड बनाना है, ड्रिंक्स बनाना है, उसमें भी एंजाइम्स की मदद लगती है. एंजाइम्स आर ऑल्सो यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ सब्सटेंस सच एज कैरोटीनॉइड्स, ऑलिव ऑयल. लाइपेज जो है वो डिटर्जेंट में यूज होता है. लाइपेज जैसे आप देखते हो ना, एरियल का एड देखते हो ना, कि कितना भी ऑयली चीज रहेगा वो ठीक, मतलब
साफ हो जाएगा. अलग अलग आप देखते हो ना एडवर्टाइज, टाइड का एडवर्टाइज देखते हो, एरियल का, सर्फ एक्सल का, वो लोग क्या क्लेम करते हैं कि कितना भी ऑयली चीज रहेगा वो ठीक हो जाएगा. तो कैसे ठीक होता है, क्योंकि उस पाउडर के अंदर लाइपेज एंजाइम होता है. लाइपेज एंजाइम क्या करेगा, जो कपड़ों में जो भी ऑयली चीज है उसको निकाल देगा. समझ में आया मेरी बात? अंडरस्टूड. सो क्लीनिंग के लिए यूज होता है. इट इज ऑल्सो यूजिंग फॉर ब्राइटनेस, रिमूविंग ऑफ स्टेन, ऑयल स्टेन्स. अगेन एंजाइम्स आर ऑल्सो यूज इन कॉस्मेटिक्स, एनिमल फीडिंग, एग्रीकल्चर. मतलब एंजाइम्स का सब जगह यूज है, एवरीवेयर इट इज बीइंग यूज्ड. ठीक है? हाँ, यस बेटा. Anybody is telling something? So invertase किससे बनता है? Saccharomyces, मतलब yeast से. Pectinase, lipase and the cellulase. So just go through all the microbes again, once again. Done. Next, gibberellin production. Gibberellin तो growth hormone है plants का. To promote the growth of any part of the plant body. So first gibberellin was been isolated by two Japanese from rice seedling infected with the fungus gibberella. क्योंकि वो gibberella fungus है इसलिए उसका नाम gibberellin hormone हो गया है. So there are different types of gibberellin, 15 different types of gibberellin. They have been used to induce parthenocarpine, apples, pears. जैसे आप ग्रेप्स का देख सकते हो कि वो देखो नॉर्मल ग्रेप्स है और वो देखो दूसरा वाला जो ग्रेप्स है उसको जिब्रेलिन दिया है, तो देखो कितना फर्क है. अंडरस्टूड? दे आर ऑल्सो इन यूज इन ब्रेकिंग द सीड डॉर्मेंसी एंड इंड्यूसिंग फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट्स ऑल्सो. दे आर बीन यूज इन एनलार्ज साइज ऑफ ग्रेप फ्रूट्स. अंडरस्टूड? सो प्लीज डू अंडरलाइन. Please do underline parthenocarpi in apple and pear. What do you know? Parthenocarpi seedless. Seedless apple, seedless pear. को बढ़ाने के लिए. Seed dormancy को break करने के लिए. Flowering in long day plants में. And increasing the size of grapefruit. So gibberellin is a hormone produced by fungus. Fungus का नाम क्या है? Gibberella. Fujikori. Understood all of you this much? Yes. Yes. Now, sewage treatment ke liye we will require time because there are different levels. We have to learn primary, secondary, tertiary. So that I will not start today. So now this lesson में आएगा microbes को हम sewage treatment में कैसे इस्तेमाल करेंगे, हम biogas कैसे बनाएंगे, हम herbicides में कैसे इस्तेमाल करेंगे, bio fertilizers में कैसे इस्तेमाल करेंगे. बस इतने ही topics अभी आपको पढ़ने हैं. Microbes का इस्तेमाल in sewage, in biogas production, in herbicides, bio herbicides, bio control, then bio fertilizers में बनाने में. And then the lesson will be finished. Understood? So next class mein this lesson will be completed. So please all of you, it's a request that what you will do, aap ek ghar mein ye karo. Paper leke bade paper pe sketch pen se ya alag alag color ke pen se aap alag alag different types of microbes ka naam likho aur uska function likho. Yes, jo aapko tables diye gaye hain textbook mein, jo aaj apne dekha, apne bhi mark kiya. और सारे बैक्टीरिया का, सारे फंगस का, जो भी चीज के लिए इस्तेमाल होता है उसका नाम लिखो विद डिफरेंट डिफरेंट कलर्स
एंड यू कैन जस्ट पेस्ट इट एवरीवेयर वेर यू आर सिटिंग मोस्ट ऑफ द टाइम, जहां पे भी आप ज्यादा अपना टाइम देते हो, जैसे इन योर लिविंग रूम और वेर एवर, इन योर स्टडी रूम वेर एवर. सो प्लीज स्टिक दैट एवरीवेयर. सी बिकॉज क्या होगा कि आप जब बार बार उसको देखोगे तो आपको जल्दी मेमोराइज हो जाएगा. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? क्योंकि अगर आप एक ही दिन में सब बैक्टीरियाज को याद करना चाहोगे, माइक्रोब्स को, तो ऑब्वियसली इट इज इम्पॉसिबल. ठीक है? सो इट रिक्वायर्स अ रेगुलर प्रैक्टिस, रेगुलर दिस थिंग. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? यस यस. तो आज ही आप एक काम करो, जहां तक हमारा हुआ है, ठीक है, पढ़ के माइक्रोब्स का, जहां तक हमारा पढ़ के हुआ है माइक्रोब्स का, तो आप सबका लिख के एक पेपर पे रखो, अलग अलग कलर से, वॉट एवर, हाउ एवर यू फील इन द फ्लो टेबल, वॉट एवर इज योर वे ऑफ लर्निंग. आप फ्लो टेबल के फॉर्म में करो, टेबुलर फॉर्म में लिखो, बॉक्स के फॉर्म में लिखो, ठीक है, पर अलग अलग कलर से लिखो, सो दैट इट विल बी हाईलाइटेड. और जहां पे आपका टेबल है, जहां पे आप ज्यादा टाइम पढ़ाई करते हो, वहीं पे करो. सी यू आर हैविंग ओनली 95 डेज इन योर हैंड, 95 भी नहीं, 94 डेज इन योर हैंड. तो इस 94 डेज में यू हैव टू डू मिरेकल्स, है ना. एंड मिरेकल सिर्फ आपको बायो ही नहीं, आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए है. तो टाइम कम है और पढ़ना बहुत ज्यादा है, सो हर एक मिनट का इस्तेमाल करो, हर एक सेकेंड, हर एक मिनट का इस्तेमाल करो. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? एनी डाउट? यू ऑल आर देयर? ये लेसन में आपको, अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस लेसन इज जस्ट अ थियोरेटिकल लेसन. यू हैव टू जस्ट मेमोराइज ऑल द नेम्स ऑफ द बैक्टीरियाज एंड द वॉट एवर माइक्रोब्स. ठीक है, समझ में आया? यस. So we will stop over here. In the next class, we will be starting with the other part of the microbes and we will be completing this lesson. Achha.